हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जियो डिजिटल लाइव और रिलायंस जियो के लास्ट मंथ जो कि 2018 लास्ट मंथ दिसंबर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, बहुत सारे जॉब की वैकेंसी निकला हुआ है। जियो से एक बहुत अच्छा सुखबर आया है कि वो लोग चाहते हैं कि लास्ट ईयर 2018 के लास्ट मंथ में बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करना। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट या बहुत सारे पोस्ट जो कि यहाँ पे निकला हुआ है, जिसको यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते और क्या क्या पोस्ट निकला है। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, आपको इस पोस्ट में आने के लिए आपका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पोस्ट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसके लिए 757 सीट निकला हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट है बिजनेस ऑपरेशन के लिए 703 सीट निकला हुआ है। उसके बाद आदर्श के लिए 250 एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 194 सीट यहाँ पे निकला हुआ है। कस्टमर सर्विस के लिए 135, आईटी सिस्टम के लिए 123, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए 52 जॉब निकला हुआ है एंड सप्लाई चेंज के लिए 36 एंड ऑपरेशन के लिए 31 जॉब, फाइनेंस कंप्लेंस एंड अकाउंटिंग के लिए 22 एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग के लिए 19 जॉब्स एंड प्रोड्यूस एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 जॉब एंड कॉरपोरेट सर्विस एडमिन के लिए 6 जॉब एंड मार्केटिंग के लिए 6 जॉब। इस तरह से बहुत सारे और भी जो कि पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है लीगल कॉरपोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे और भी जो कि पोस्ट निकला होंगे 2019 में, तो यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पे मिस ना करें, यहाँ पे जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, आपका नाम सबमिट कर दीजिए, आपका रिज्यूम। उसके बाद ही आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जॉब यहाँ पे रिलायंस जियो पे आप लोग 100% गारंटी से आप लोग मिल सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जियो आप लोग सभी जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह की ये नेटवर्क छा रहा है, कोई भी और अदर्स जो नेटवर्क है वो इसका आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए जियो में बहुत सारे एम्प्लॉय हायर कर रहा है। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पक्का आप यहाँ पे जॉब जो है मिल सकता है। तो अभी और कुछ बात नहीं करते हैं, तो इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना। अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप उस पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उस पोस्ट के लिए ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे उसका जो जो पोस्ट यहाँ पे है यहाँ पे चला आया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग चाहते कि ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन ढूंढ रहे हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा जो की अपॉर्चुनिटीज है, ऑल ओवर इंडिया में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग के लिए पोस्ट निकला है, जिसके लिए आपको बिहार में इसका जॉब लोकेशन रहेगा। आज ही इसका जो पोस्ट है यहाँ पे ये पोस्ट हुआ है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे JC कनेक्टिविटी सेल्स सपोर्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, धनबाद झारखंड में इसका पोस्ट हुआ है कल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग के लिए आपको बिहार में, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इसका जो पोस्ट है यहाँ पे आपको जॉब है आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में इसका जो जॉब लोकेशन है आपको मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए उस पोस्ट के लिए ऊपर आपको क्लिक करना होगा, उसमें क्लिक करने के बाद इसका जो और भी डिटेल्स है आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके लिए थ्रू आप यहाँ पे पढ़ के इसका जो डिटेल है आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पोस्ट निकला हुआ है, बिहार में इसका पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन के रिक्रूटमेंट आपको चाहिए 12th पास, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 12th पास है तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है आपको फ्रेशर, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा जो कि एक बात है, जो लोग एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं, जो लोग यहाँ पे फ्रेशर है जस्ट अभी अभी पास कर चुके हैं 12th या
ग्रेजुएशन वो लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि आपको फ्रेशर जो लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे स्किल एंड कॉम्पिटेंसी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कस्टमर फेसिंग एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी एंड प्रेजेंटेबल स्पीक लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, राइटिंग, स्मार्टफोन यूजेज, कंप्यूटर यूजेज, न्यूमेरिकली एंड कैश हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो दोस्तों ये सब जो कि क्वालिटी आपके पास होना चाहिए उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अप्लाई किस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, जिसके लिए ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक फॉर्म दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा। अगर आप पहले यहाँ पे अप्लाई करना कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर पहले आप कर चुके हैं यहाँ पे एप्लीकेशन तो उसके लिए आपको लॉगिन में जाके एप्लीकेशन करना होगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, फुल नेम, उसके बाद आपका कंट्री एंड फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको दे के कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाए, जिस फॉर्म में आपका पर्सनल डिटेल्स एंड आपका रिज्यूम जो है आपको वहाँ पर अटैच करके सबमिट करना होगा। तो होता है तो आपको उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना हो। उसके बाद आपको अगर आपका जो रिज्यूम है सिलेक्टेड होता है हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ से इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको ये जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो कि आप जियो में बहुत सारे और भी पोस्ट है, बहुत सारे और भी पोस्ट आने वाला है 2019 में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा एक एडवाइस आपके लिए रहेगा कि आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय जो कि हायर हो रहे हैं। तो आप मेरे को लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।